पूरे विश्व में आदिवासी संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ जो जंतर मंतर पूरे भारत के आदिवासी इकट्ठा हुए हैं हजारों तादाद में, तो कहीं ना कहीं इनकी जो मांग है आदिवासी धर्म को अलग। आज देखे होंगे आप सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, बौद्ध धर्म अलग अलग है, लेकिन फिर आदिवासी सौतेला बिहार गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कभी भी कोई भी आवेदन, निवेदन या वैकेंसी या फॉर्म भरे जाते हैं, जनगणना किए जाते हैं, उसमें देखिएगा कालम ही नहीं देता आदिवासियों का, तो हम किस में टिक लगाएं? मजबूरी बस किसी न किसी में टिक लगाना पड़ जाता है। शासन प्रशासन के तमाम अधिकारी कर्मचारियों से निवेदन, दरख्वास्त करते हैं हम कि हमें आदिवासी धर्म कालम दे, हमारी डिमांड पूरी की जाए। जब तक डिमांड पूरा नहीं होगा तब तक आंदोलन, धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस ये सब करते रहेंगे हम अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राज्यों में, केंद्र में। जो आवाज लगातार बुलंद होती चली जा रही है, आदिवासियों का अलग धर्म कोड की मांग बढ़ती जा रही है, पूरे देश से लोग आ रहे हैं और ये आंदोलन अनवरत हम लोग जारी रहेगा और किसान आंदोलन से बढ़कर आंदोलन हम लोग करने का काम। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज और इस वक्त मैं जंतर मंतर मौजूद हूँ और यहाँ पर आदिवासी लोग आए हैं अपनी अधिकारों को लेके, अपनी मांगों को लेके। तो अभी जानते हैं उन्हीं आदिवासी लोगों से कि क्या कुछ समस्याएं रही हैं इनके साथ और हमेशा से जो इनका पिछड़ा वर्ग दिखाते आए हैं लोग, तो उन्हीं लोगों से हम जानते हैं क्या कुछ है इनकी समस्या, क्या कुछ समस्याएं हैं आपकी जो आपको यहाँ जंतर मंतर आना पड़ा। मैं हूँ महासिंह सरैया, मैं मध्य प्रदेश के डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट सिमरिया ग्राम से चलकर आया हूँ जंतर मंतर न्यू दिल्ली में। इतनी दूर से आए हैं? इतनी दूर से इसलिए आए हैं क्योंकि इतने सालों से हमें हमारे धर्म से दूर किया गया, दूर रखा गया। गवर्नमेंट, शासन प्रशासन से मैं अपील करूँगा, निवेदन भी करूँगा, धारा 1955 पैरा 2 के मुताबिक हम लोग आदिवासी हैं जो इस देश के मूल निवासी हैं, भारत के मूल निवासी हैं, इस देश के शुरुआत यानी कि आदि अनंत काल से वास करने वाले आदिवासी। चूँकि हमारा धर्म अलग रहा होगा और था अंग्रेजों के ज़माने में और अंग्रेजों के शासन प्रशासन के बाद भी हमारा धर्म अलग था, आदिवासी धर्म। लेकिन जब से ये बीजेपी कांग्रेस के लोग इस देश में राजपाट किए हैं तब से हमारे धर्म को लुप्त कर दिया गया, हटा दिया गया है, हमको हिंदू में समाहित, कुछ लोग तो ईसाई में जा चुके हैं, ईसाई धर्म वाले वो खींच लिए, कुछ लोग हिंदू धर्म वाले खींच लिए, आदिवासी धर्म लुप्त हो गया, विलुप्त हो गया। इसके लिए हम इसलिए क्या आप लोगों में से ही आप लोग चले गए? हाँ, क्यों चले गए? आप लोगों में एकता नहीं है इसका मतलब? वो इसलिए चूंकि हमारा रिकॉर्ड में नहीं था, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कभी भी कोई भी आवेदन, निवेदन या वैकेंसी या फॉर्म भरे जाते हैं, जनगणना किए जाते हैं, उसमें देखिएगा कालम ही नहीं देता आदिवासियों का, तो हम किस में टिक लगाएं? मजबूरी बस किसी न किसी में टिक लगाना पड़ जाता है। ये जो भी सर्वे करने जाते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, जो गवर्नमेंट कर्मचारी, तो वो अब आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, क्या हैं, कुछ भी नहीं है, हम तो आदिवासी, तो वहाँ कालम ही नहीं दिया है, तो मजबूरी बस किसी में भी टिक लगाना पड़ेगा। कालम जो होता है प्रोफार्म में, आप लोगों को मतलब जनगणना के नाम पे बेवकूफ़ बनाया गया, इसलिए हम मांग करने आए हैं, डिमांड रखें। हमारे इस देश का बॉस जो है नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, उनसे भी निवेदन करते हैं और राष्ट्रपति जी से भी निवेदन करते हैं और शासन प्रशासन के तमाम अधिकारी कर्मचारियों से निवेदन, दरख्वास्त करते हैं हम कि हमें आदिवासी धर्म कालम दे, हमारी डिमांड पूरी की जाए। जब तक डिमांड पूरा नहीं होगा तब तक आंदोलन, धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस ये सब करते रहेंगे हम अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राज्यों में, केंद्र में भी। शुरुआत केंद्र से हम कर रहे हैं, धारा 330 बटे धारा 342 के मुताबिक, संविधान के अनुच्छेद के, इसके मुताबिक हम आदिवासी हैं, हम आदिवासी ही रहेंगे शुरू से लेकर अंत तक। इनमें कुछ विशेषाधिकार दिए हैं हमें, आदिवासियों को स्पेशल बजट दिए हैं संविधान में, हमको आदिवासियों को स्पेशल बजट भी दिया है, कुछ विशेष अधिकार भी दिए। बजट आता है उस अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है क्या? वो अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है क्योंकि लागू नहीं, अभी इस देश में पैसा कानून मोदी जी तो शायद लागू कर दिए हैं लेकिन जमीनी स्तर में वो लागू नहीं है, जमीनी स्तर में वो लागू नहीं। पैसा कानून हमारे ये बिरसा मुंडा जयंती में नरेंद्र मोदी जी
गए हुए थे भोपाल, तो उन्होंने पेशा एक्ट को, शिवराज सिंह चौहान जी पेशा एक्ट को लागू किए हैं। चूँकि जमीनी स्तर में ऑफिसों में दफ्तरों में पेशा एक्ट ये गोल है, अधिकारी कर्मचारियों को मालूम ही नहीं है, सामने जमीनी स्तर पर नहीं है, वैसे बताया गया ऐसा है, मंचों से बस बोला, उसे घोषणा किए जाते हैं। स्पेशल बजट है तो योजना का लाभ कौन ले रहा है? अब आदिवासी जब तक हम हैं तब तक तो हमारे लिए योजना है, अधिकार है, लाभ है, गवर्नमेंट से तमाम योजना है। जो कुछ लोगों को लाभ मिल रहा है, कुछ लाभ तो मिल ही नहीं रहा है, कुछ तो योजनाओं की जानकारी नहीं है, कुछ तो अपने हक अधिकारों को मालूम नहीं है। चूँकि संविधान स्कूलों में पढ़ाए जाएँ तो संविधान के कानून एक्ट धारा सब लोगों को मालूम हो, ये सब पढ़ाए ही नहीं जाते स्कूल में, जबकि डिमांड है। आदिवासियों के बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने जाते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं आदिवासी लोग, और बच्चे पढ़ने जाते भी हैं, लेकिन कुछ गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाते, स्कूल जा नहीं पाते, कुछ फीस पटा नहीं पाते, या फिर कुछ दूर स्कूल होने की वजह से वहाँ तक जा नहीं पाते, पहुँच नहीं पाते। अभी पिछले 3 सालों से तो कोरोना के नाम पर स्कूलों को तो बंद किए गए हैं, तो बच्चे जो पढ़ते थे वो भी सब भूल चुके हैं 3 सालों में। तो कुछ तो मन नहीं लगता, कुछ तो गरीबी की वजह से पलायन कर जाते हैं, ऐसी स्थिति है आदिवासियों की। चलिए अभी और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं, तो किस तरीके की परिस्थितियों में जी रहे हैं आदिवासी वाकई में हकीकत में। धन्यवाद मैडम जी आपका। तो पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ। नाम बता। और एडवोकेट रंजन कौल, मैं इलाहाबाद कुराँव तहसील से आया हूँ, गांव है एक चिराव गांव। मैडम जी देख रहे हैं हम लोग आज जो आदिवासी समाज है, हमारी सरकार का रहा है भारत एक कदम आगे की ओर चल रहा है विश्व में, लेकिन हमारे जो आदिवासी समाज भूखमरी कगार पर चल रहा है इस समय। आप जो आदिवासी शब्द देखें, अनादिकाल से बात कर रहा है, धरती पर सबसे पहले तो शायद आदिवासी ही ना आया। आज जो शहरों से दूर शांति इलाके में जंगलों में रहता चला आया है, आज आप रिकॉर्डिंग करके देखेंगे जनगणना के हिसाब से 15-16 करोड़ आज भी आदिवासी है, पूरे विश्व में आदिवासी संख्या सबसे ज़्यादा है। ये आज यहाँ जो जंतर मंतर पूरे भारत का आदिवासी इकट्ठा हुए हैं हजारों की तादाद में, तो कहीं ना कहीं इनकी जो मांग है आदिवासी धर्म कोड अलग हो। भाई देखे होंगे आप सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, बौद्ध धर्म अलग अलग है, लेकिन फिर आदिवासी साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? तो ये मांग रहा है कि हमारे आदिवासी तरीके का सौतेला व्यवहार हो रहा है आदिवासी, हमें जो आदिवासी के नाम पे यहाँ पे जो है हमारी सरकार सब कुछ लागू कर रहा है गाँव में जाने की, वो चीज़ हमें मिल नहीं पा रहा है। जो आरक्षण होता कोटा, वो चीज़ हमें नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात मैं ये बताना, आप लोगों को कोटा तक भी नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिलता मैडम जी, यहाँ तो मुख से मंचों द्वारा बोल देते हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर जो रिकॉर्ड होते कागज दस्तावेज उस पर लागू नहीं होता है। तो इसलिए पूरे आदिवासी समाज पीड़ित है। आज देख रहे हैं आज जंतर मंतर में इकट्ठा हुए हैं, अभी हम लोग तो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो दिल्ली के सरकारें हैं, पुलिस प्रशासन है, हम लोगों को हर तरह से दबाने की कोशिश कर रही है। आखिर ये आदिवासी समाज दबने वाला नहीं है, क्योंकि पूरे भारत का आदिवासी आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। और मैं दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ मैडम जी कि आज जो उत्तर प्रदेश में एक दोहरी और लड़ाई है, उत्तर प्रदेश में कोल आदिवासियों को वहाँ पे ट्राइबल यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा भी नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश में जो कोल आदिवासी 30-40 लाख आदिवासी, चाहे मिर्ज़ापुर हो, चंदौली हो, रापड़गंज हो, ललितपुर हो, झांसी, उरई, आप कभी भी मीडिया के माध्यम से सर्वे करिए, हर जिलों में 2-2, 2.5-2.5-3 लाख आदिवासी समाज के लोग हैं। तो हम कहते हैं कि हमारी जो सरकार है, अभी केंद्र सरकार है, देखे होंगे जो सवर्ण भाई हमारे हैं यानी जनरल कैटेगरी के लोग, उनको 10% आरक्षण मिला गया, ओबीसी भाई को 27%, एससी भाई को 15%, तो एसटी के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? तो हम ये मीडिया माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब हमने आपको केंद्र में राज्य में सरकार बार बार बना रहे हैं, तो फिर आदिवासी साथ ऐसा गलत व्यवहार क्यों हो रहा है? तो यहाँ जितने हमारे साथी इकट्ठा हुए हैं, अगर हमारे धर्म कोड भारत में लागू नहीं होता तो बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होगा। अभी तो किसानों ने आंदोलन किया है, अब आंदोलन करेंगे जरूर मैडम जी, किसानों के आंदोलन को फेल कर देंगे। जी जी जी, क्योंकि अभी तो किसानों का आंदोलन देख रहे हैं साल भर चला, अब किसानों का आंदोलन से भी बहुत बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि आज 15 करोड़ आदिवासी पूरे भारत के लोगों में से लोग छोड़ कर चले गए, तब क्या किया? नहीं छोड़ के जाने वाले नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे जब पैदल आ रहे तो कोई छोड़ कर नहीं गया, उन्होंने लाठी डंडे के खाने की नौबत आ गई तो उन्होंने झड़पना शुरू किया, लेकिन फिर भी वापस नहीं। देख रहे हमारे महिलाएं मोर्चा भी है बराबर, अब यहाँ मंच भी चल रहा है, तो ये पीछे हटने वाले नहीं, क्योंकि देश का आज़ादी कराया आदिवासियों ने, उतने तो 50-50 हज़ार जो है आदिवासियों ने अपनी जान नौछावर कर दी, तो अपना हक लेने के लिए क्यों नहीं आ सकता, बताइए। और भी लोगों से जानते हैं, क्या नाम है आप? एडवोकेट शिवांशु कौल, रीवा से आए हैं। कहाँ से आए हैं? रीवा मध्य प्रदेश से। तो क्या कुछ बिंदु हैं आपके जो आदिवासियों को लेकर, क्या कुछ बिंदु हैं और क्या कुछ कदम रहेंगे अब आगे?
देखिए आज जैसा कि हमारे साथी ने बताया अभी कि हम लोग आज जंतर मंतर पर ये एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है आदिवासियों को अलग धर्म कोड को लेके, जहां पर आप देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में पूरा समाज यहां पर इकट्ठित हुआ है। और पिछले अभी हम लोग अम्बेडकर भवन में रुके हुए थे, वहां से जैसे ही पैदल यात्रा हम लोग की चल रही थी, यहां के दिल्ली पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग, हम लोगों को बार बार रोकने का प्रयास किया जा रहा था, बार बार टॉर्चर किया जा रहा था कि ये आंदोलन फेल हो जाए। लेकिन हम लोग आंदोलन से डरने वाले लोग नहीं है। ज़बरदस्ती हमारे महिलाएं भी थी, हमारे युवा नौजवान साथी थे, उनको बार बार धक्का मुक्की करने के बाद ज़बरदस्ती बस से ले आया गया है, और उसके बाद भी हम लोग लड़ने काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में ये आंदोलन और विकराल होता चला जाएगा। और जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि आदिवासियों की जो आवाज़ लगातार बुलंद होती चली जा रही है, आदिवासियों का अलग धर्म कोड की मांग बढ़ती जा रही है, पूरे देश से लोग आ रहे हैं, और ये आंदोलन अनवरत हम लोग जारी रहेगा, और किसान आंदोलन से बढ़कर आंदोलन हम लोग करने का काम करेंगे। किस तरीके से जो है अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, क्या कितना टाइम आप लोग यहाँ टिकेंगे? आपको तो हटा दिया जाएगा, बस वहाँ से ही आपका ये आंदोलन ध्वस्त हो जाए? देखिए ऐसा है मैडम कि ये जो आंदोलन है ये सांकेतिक आंदोलन है, एक दिवसीय सांकेतिक आंदोलन है। यहाँ पर आज पूरे भारत के लोगों को आह्वान किया गया था कि हम लोग की जो मांगे हैं उसको हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर रखेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, उसके बाद हमारी अगर आवाज़ नहीं सुनी जाती है उसके बाद विशाल आंदोलन हम लोग का जंतर मंतर पर करने का काम करेंगे। अगर नेशनल हाईवे जाम करना पड़े, रेल रोकना पड़े, पूरे भारत के आदिवासी कहीं ना कहीं काम करेंगे। नेशनल हाईवे रोक देंगे? बिल्कुल रोकेंगे, अगर हमारी चक्का जाम, क्योंकि देखिए आदिवासी संघर्ष करने वाला, कहीं में आदिवासी जाग गया है अब। बिल्कुल, आदिवासी पूरी तरह से जागरूक हो चुका है, और कहीं ना कहीं लोगों को उसको गुमराह करने का काम कर रहे हैं जो लोग, उन लोगों से हम बता देना चाहते हैं, जो समाज के दलाल जो बने घूम रहे हैं ऐसे लोगों से बता देना चाहते हैं कि आप लोग शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, उन दलालों से कह दो अपनी औकात में रहें, अपनी औकात में रहें। हम लोग बिरसा मुंडा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके बनाए हुए संविधान और उनके आदर्शों पर हम लोग चलने का काम कर रहे हैं, और लगातार हमारे हक और अधिकार के लिए जय हम लोग को सड़क पर से लेकर सदन तक अपनी आवाज़ को बुलंद करने का हम लोग। सरकार भी तो जो है बाबा साहब अंबेडकर का अब नाम लेती है, उनके उसूलों पर चलने की बात करती है, क्या वाकई में है? देखिए ऐसा है कि सरकार तो दिखावा करती है, आदिवासियों दलित आदिवासियों को वोट लेना होता है तो ये हमारे महापुरुषों को की मूर्तियाँ लगवाएंगे, अंबेडकर जी की मूर्ति स्टैचू लगवाएंगे, बिरसा जी की स्टैचू लगवाएंगे, अब तो इनके दिखावे छलावे से हमको नहीं आना है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये आदिवासियों की विरोधी सरकार है, मैं अपने लोगों से बता देना चाहता हूँ, देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है देश में, 10 साल हो गया है, 10 वर्ष हो गया है, लेकिन आज जिस मजदूर किसानों नौजवानों ने जिस आस और उम्मीद के साथ इसे लिए वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को कि सरकार में आएगी तो महंगाई कम होगा और आदिवासियों को अलग धर्म कालम की मांग होगी, तमाम मुद्दे थे, लेकिन आज वो पूरी तरह से सरकार फेल हो चुकी है, और आने वाले 2024 के चुनाव में केंद्र से मोदी सरकार जाने वाली है। और मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से किसान आंदोलन में सैकड़ों किसान मारे गए हैं उसका बदला कहीं ना कहीं किसान और समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग जिस प्रकार से आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे, आने वाले लोकसभा के चुनाव में इसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। तोड़ जवाब मिलेगा वाकई में? बिल्कुल मिलेगा, और आने वाले समय में आप देखिएगा कि जिस प्रकार से पंजाब में सफाया हो गया है उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में सफाया हो गया है, इसी प्रकार से आने वाले समय में पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। आप ही लोग तो जो है वोट दे देते हैं, वहाँ चले जाते हैं। देखिए ऐसा है कि समाज को गुमराह करने का काम किया जाता है, मैं बार बार अपील करता हूँ, आपके मीडिया के कुछ साथी हैं, आपको तो मैं चैनल नहीं कहूँगा, आप तो निष्पक्ष पत्रकार हैं, लेकिन कुछ आप ही के चैनल के लोग हैं जो समाज को, जो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करते हैं और समाज को सही दिशा और दशा, जो इनका लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया है आज वो पूरी तरह से गुलाम हो चुका है, यही मोदी मीडिया, गोदी मीडिया बन चुका है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपका जो चैनल निरपक्षता के साथ समाज के हर दबे वंचित समाज की आवाज़ को बुलंद करता है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। तो अभी हमने इन्हीं आदिवासी लोगों से जाना क्या कुछ इनकी मांगे हैं, डिमांड है, और किस तरीके से ये सत्ता का जो रूप है वो बता रहे हैं कि मंचों से और मुखों से तो बोला जाता है बजट इस तरीके का आया है, जनगणना के लिए भी कहा जाता है, मगर दस्तावेजों में कहीं ना कहीं आदिवासी
कहीं नहीं मिलेगा आपको, उनकी जनगणना तक नहीं की जाती है, ऐसा कॉलम ही तक नहीं बना हुआ है। तो सोचने वाली बात है कि आदिवासियों के साथ किस तरीके की जो है अत्याचार हो रहे हैं, किस तरीके से आदिवासी अपना रहन सहन जो है वो चलाते हैं, और उसी समस्याओं को लेकर और धर्म कोड को लेकर यहाँ पर एकजुट हुए हैं और अलग अलग राज्यों से आए हैं ये लोग। तो अब इनकी जो मांगे हैं, देखते हैं कहाँ तक जाएंगी और कहाँ तक ये लेके जाएंगे। कह तो रहे हैं कि अभी इनकी जो सुनवाई है वो पहुँचाएंगे उस सरकार तक जो सत्ता में बैठी हुई है। देखेंगे अब कि कितना इनमें जोर है, कितना दम है, कहाँ तक इस आंदोलन को खींचेंगे। जब तक देखते रहिए जनहित आवाज़। नमस्कार।